साथ हूँ मैं खुशबू मिश्रा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आपको फटाफट अंदाज में बताएंगे आपकी 12 राज्यों का, साथ ही आज का पंचांग भी। बहुत बहुत स्वागत आचार्य जी आपका। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को प्रणाम। विशेष दिन और विशेष शुभंकरी दिन, इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रह मर्मोक्तिकम करतले वेणु कर कंकण सर्वांगे हरिचंदनम सुरलितम कंठे चामुक्तावली गोपस्त्री परिवेस्थितो विजयते भोपाल चूड़ा। इस प्रकार से विजय और विजय के साथ सुविजय, विजय इस प्रकार की हो कि हमारे जीवन में हर व्यक्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से जागृत हो। इसके साथ साथ ग्रह क्या कहते हैं और ग्रहों का मान क्या कहता है, बदले हुए परिपेक्ष, क्योंकि ग्रह चलायमान है इसी प्रकार से जीवन भी चलायमान है, हर दिन कुछ न कुछ अच्छा या अनुकूल, इसके साथ साथ प्रतिकूल भी घटित होता है। तो प्रतिकूलताओं को कम करना और अनुकूलताओं के साथ मित्रता करना, यही ज्योतिष और ज्योतिष विज्ञान का कार्य होता है, जिससे आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। मेष से मीन राशि तक, मीन से मेष राशि तक हम बताएंगे आज आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसके साथ साथ अपना दिन सुव्यवस्थित करने के लिए पंचांग पे भी चर्चा करेंगे। दिन अनंत चतुर्दशी का बहुत ही शुभ, आप सबको इसकी अग्रिम शुभेच्छा। बिल्कुल, तो चलिए जान लेते हैं फटाफट अंदाज में आपकी राशियों का हाल, आज आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा रंग आपके लिए शुभ है, क्या करने से आपको बचना है, ये सब बताएंगे आचार्य जी। मेष से लेकर मीन तक शुरुआत करते हैं आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों, प्रथम राशि है, लगातार आपका समय छठे भाव में बुध और शुक्र का प्रभाव, फैसले और इसके साथ साथ हौसला दोनों ही बातों को बढ़ाने वाले हैं, ये आपके फैसले सही साबित होंगे, इसके ऊपर आप अटक रहिए। शुभ कार्य कर लीजिए, जब शुभ कार्य हो शुभ गोचर हो शुभ कार्य करना चाहिए। किसी धर्म स्थल पे आप केले का फल, ये आप यथाशक्ति यथा सामर्थ्य चढ़ाएं, धर्म स्थल पे निश्चित रूप से आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। क्या नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वाणी और वाणी के ऊपर संयम झूठ ना बोलने से भी आता है। दक्षिण दिशा की यात्रा या दक्षिण दिशा में लिए गए प्रस्ताव आज निष्फल हो सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, घर परिवार के साथ आमोद प्रमोद का दिन है और विशेष रूप से कुछ शुभ कार्य आगे आने वाले समय के लिए जरूर बनेंगे आपके, और इसके साथ साथ कुछ अच्छे कार्यों को बनने की वजह से मन अच्छा रहेगा। क्या करना है, धार्मिक चित्र के ऊपर जो भी जिस प्रकार से भी आप धर्म को मानते हैं उस पर शुद्ध घी का दीपक या किसी प्रकार की रोशनी दीपक इत्यादि जरूर आप प्रज्वलित करें। साउथ वेस्ट दिशा, दक्षिण पश्चिम, ये आपके लिए आज शुभता का संचार है। इस तरफ जो भी आप करें मुख करके करें, बहुत अच्छा है। लाल मिर्च का सेवन इत्यादि और करिष्टता लाने वाली चीज़ों का सेवन आज ना करें। टूटे हुए फर्नीचर ये भी आप अपने घर में ना रखें, अन्यथा निष्ठता की निशानी हो सकती है। मिथुन राशि की अब हम बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, पार्टनर को यानी जो आपके सहयोगी इत्यादि हों उनको आज आप कुछ भी गिफ्ट इत्यादि देंगे या उनसे प्राप्त भी होगा। इसी के साथ साथ और इसी के क्रम में ही आपको धन लाभ के अच्छे योगादि योग दिख रहे हैं, तो उनको उन्नत कर लीजिए। कुछ करना तो पड़ता ही है, क्या करना है, तुलसी का पौधा वृक्ष देवतुल्य है तो उस पर बेसन इत्यादि आप जरूर चढ़ाएं। शुभ दिशा आज आपकी नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम की दिशा, यहाँ से व्यवहार आपको या बातचीत आपको सहयोग देगी। क्या नहीं करना है, आपको मौसम के प्रकोप से बचने के लिए ठंडी चीज़ों का सेवन करना अभी नितांत आवश्यक नहीं बल्कि अनावश्यक है, इसका सेवन ना करें। तला भुना इत्यादि भी खाने से बचेंगे, इससे आपका स्वास्थ्य ही नहीं ग्रहों की अनुकूलता भी प्राप्त होती है। जो भी हम खाते पीते हैं उससे अनुकूलता प्राप्त होती है। क्या करना है, आज आपको बेसन भूनकर पानी में आप बहा दें तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। क्या नहीं करना है ये भी ध्यान रखेंगे। कर्क राशि वालों, बालों में कलर इत्यादि आज आपको करवाना यानी बालों से संबंधित कोई भी क्रिया कार्य इत्यादि ना करें। सरसों के तेल से आज परहेज रखेंगे, दिन आपका सावधानी पूर्वक निकल जाएगा। कर्क राशि वालों को आज रुके हुए पैसे मिलने के योगादि योग दिख रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ये है कर्क राशि लग्न वालों के लिए सेहत का ध्यान देना अभी भी
कुछ समय तक जरूरी है। सिंह राशि की अब हम बात करते हैं। सिंह राशि वालों, प्रेम और आपको प्रेम का ही वातावरण मिलेगा, लव लाइफ इत्यादि आपकी अच्छी रहेगी और आपका सामंजस्य अच्छे प्रकार से बैठेगा लोगों के साथ। पुराने मित्रों से भेंट मुलाकात भी आपकी किस्मत चमकाने वाली हो सकती है, किस्मत का साथ भी आज आपको मिलता हुआ दिख रहा है। दिन की शुभता, और दिन की शुभता क्या करना है आज आपको, किसी भी पुजारी को, पंडित इत्यादि को जो पूजन के कार्यों में है उसको फल इत्यादि का ध्यान करें। और इसके साथ आप देखेंगे कि शुभ दिशा उत्तर की है, उत्तर की तरफ मुख करके या उत्तर की तरफ ध्यान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आज बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है और अपने कामों में सावधानी पूर्वक कार्य करना है, क्योंकि सावधानी अगर हटेगी तो दुर्घटना जरूर घटेगी। इसलिए बहुत कंसंट्रेट होकर आज आपको काम करना है। कन्या राशि की अब हम बात करते हैं। कन्या राशि वालों, अगर आपकी तकनीकी फील्ड है कोई तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो गैर तकनीकी वालों का दिन खराब है, थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, उनको प्रभाव अच्छा मिल सकता है, कुछ शुभ कार्य कर ले। पहला कार्य ये करें, मिठाई का प्रसाद, यानी मिठाई कहीं भी आप इष्ट को चढ़ा के तब आप ग्रहण करेंगे, आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन किस प्रकार से शुभ रहेगा। पूर्व दिशा यानी ईस्ट आज आपको अच्छे प्रमाण देने वाली है। क्या नहीं करना है, आज आपको लेन देन से, विशेष रूप से वित्तीय लेन देन से आज आपको बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि महिलाओं के, जब भी आप बात करें महिलाओं से, आप तो अपमानित करने की दृष्टि बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको नेष्ट फल प्राप्त होगा। तुला राशि की बात करते हैं। रिश्तों में आज आपके अच्छी मधुरता बनती हुई दिख रही है, क्योंकि शुक्र और बुध का शुभ प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी को चमकाने ही वाला है। बस इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ हो सकता है। क्या करना है आज आपको, केले के पेड़ की पूजा आज आपको जरूर करनी चाहिए और दंडवत प्रणाम भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे आपके बृहस्पति देव की अनुकूलता प्राप्त होगी। क्या नहीं करना है आज आपको, आज आप नए कपड़े बिल्कुल भी ना खरीदें, यानी कपड़ों की खरीदी से बचना है। छोटी छोटी बातें हैं, मानसिक तनाव भी थोड़ा कम लें तो ज़्यादा अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों की अब हम बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आप कार्य से थोड़ा सा आज विमुख हो सकते हैं, किसी अन्य कार्यों में, विशेष रूप से आमोद प्रमोद इत्यादि में आप दिन लगा सकते हैं। दिन आपका और रात्रिमान आपका बेहतर रिजल्ट दे सकता है। आज क्या करना है, आज आपको फलों का ही दान आपकी राशि पे भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है और साथ के साथ नॉर्थ ईस्ट दिशा आपके लिए शुभ परिणाम देने वाली है। क्या नहीं करना है आज आपको, विशेष रूप से आज आपको ध्यान देना है, आज नीले रंग के जूते इत्यादि, चप्पल इत्यादि, स्लीपर्स इत्यादि ये ना पहने। दूसरी बात यह है कि निष्ठता कम करें, नए दोस्तों को ना बनाएं, यानी कि आज आपको पुराने ही लोगों के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। धनु राशि वालों, फैशन और ग्लैमर से यदि जुड़े हुए हैं आप तो आपके लिए विशेष तरक्की आपको मिल सकती है, अन्यथा तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के या डॉक्टरी इत्यादि में भी हैं तो भी आज आपको अच्छे क्लाइंट इत्यादि मिल सकते हैं। क्या करना है धनु राशि वालों, पीला रंग का रुमाल ले लें और आप अपनी जेब में रखें, चमकीला हो पीला तो बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा ये आज आपको कमाल करके दिखाएगी। क्या नहीं करना है इसकी विशेष ध्यान रखेंगे, कान इत्यादि, नाक इत्यादि ये छिदवाने से बचेंगे, यानी और इसके साथ साथ सर्जरी भी अगर प्लान कर रहे हैं तो आज के दिन नेष्ट है। नया सामान भी घर पे कोशिश करें कि आज आप ना लाएं, जो उपयोगी सामान हो, बहुत उपयोगी हो, उसके अलावा आप नया सामान ना लाएं तो बेहतर है। मकर राशि की अब हम बात करते हैं। मकर राशि वालों, पारिवारिक समस्याएं आपकी लगातार एक के बाद इस पैच में हल होती हुई दिख रही हैं। क्या करना है आपको, पांच प्रकार का अन्न या पांच प्रकार का फल जरूर किसी गरीब को आज दान देना चाहिए। पश्चिम दिशा से व्यवहार आपका अच्छा रहने वाला है, लेकिन काले तिल का, काले नमक का या इस प्रकार की वस्तुओं का जो मादकता दें, मादक पदार्थ इत्यादि हो जिसमें बहुत सारे पदार्थ आते हैं, उसका त्याग करने के लिए अच्छा दिन है। छोड़ने का कोई बुरी आदत अच्छा दिन। कुंभ राशि की बात करते, कुंभ राशि वालों, कोई आपका पुराना मामला सुलझेगा, विशेष रूप से न्यायिक या सरकारी मामला जरूर सुलझ सकता है। क्या करना है सुलझाने के लिए, छोटा सा एक कार्य कर लीजिए, मीठा दही खा के निकलेंगे, आप देखेंगे कितना अच्छा प्रभाव मिलेगा। शुभ दिशा आपकी साउथ वेस्ट। इसके साथ साथ आज आपको क्या नहीं करना है,
आज विशेष रूप से किसी भी चर्चा या परिचर्चा में अपनी बातों को आगे करने की वजह से थोड़ा सा उतावलापन, उत्तेजना इत्यादि उससे बचेंगे। काम आप थोड़ा सा धैर्य से आज लेना पड़ेगा। मीन राशि की अब हम बात करते हैं। मीन राशि वालों, निवेश के लिए आपके लिए समय अच्छा है। निवेश आप अपने पे, अपने अपने पे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा उसका प्रभाव मिलेगा। क्या करना है, किसी गरीब को कपड़ा इत्यादि दान करना या कपड़े के साथ साथ कोई अन्य वस्तु उसके उपयोग की ये देना अच्छा रहेगा। क्या नहीं करना है, काले पेन का इस्तेमाल इत्यादि करने से आज आपको बचना चाहिए। छोटी छोटी बातें ही है, बड़ा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन दिन को शुभता की तरफ ले जाने के लिए ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जरूरी होती हैं। भले ही देखने में छोटे लगे लेकिन घाव करे गंभीर आपके दिन की अग्रिम। बिल्कुल। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। दिनांक 12 सितंबर 2019 चतुर्दशी तिथि का मान लगा है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को, अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। गणेश भगवान के आज विसर्जन का प्रमुख दिन और अंतिम दिन बताया जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र आज लगा है जो कि पंचक नक्षत्रों में से एक है। पंचक नक्षत्र धनिष्ठा, इसके स्वामी मंगल हैं और इसके साथ साथ कुंभ राशि के ऊपर इसका प्रभाव भी देखा जाता है। शुक्ल पक्ष है राहु काल 1:35 से 3:08 तक, शुभ समय 11:37 से 12:27 तक पुनः शुरू हुआ है। अनंत चतुर्दशी की अनंत अनंत बधाइयां और इसके साथ साथ ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः इसका जाप करने से आपके दिन की शुभता और शुद्धता दोनों ही प्रकट हो। बिल्कुल। तो चलिए आचार्य जी से आपने काफी अहम जानकारियां ली, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप आचार्य जी से पूछना चाहते हैं तो आप आचार्य जी का मेल आईडी नोट डाउन कीजिए, aacharyanakshatra@redifmail.com aacharyanakshatra@redifmail.com ये आचार्य जी का मेल आईडी। और आप फोन नंबर भी नोट डाउन कीजिए 8004036524 8004036524 ये आचार्य जी का नंबर है। इस पर आप संपर्क करके आचार्य जी से कोई भी सवाल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मिल भी सकते हैं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो नक्षत्र में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देखते रहें भारत समाचार।